गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मीट लेने। मीट लेके फिर हम आज मीट चिकन का पिकल बनाएगा, यानी कि चिकन अचार, चिकन विद ड्राई बेम्बू सूप, इसके बाद ड्राई चिल्ली, ऐसा करके मिक्स करके आपको दिखाएगा बाद में हम लोग क्या क्या अचार कैसे क्या क्या डालता है। तो मीट ले लेते हैं। फ्रेश मीट इसको चिकन इसको अचार बनाएगा, खाने में बढ़िया होगा। जब आप बाद में दिखाएगा आप लोग को क्या होगा, ये क्या से क्या हो जाएगा। ये अभी ऐसे है ना, ये बाद में आलू बनाएगा। अच्छा लगा दे, आपका बहुत सस्ता है। दूसरा वो आपका पड़ोसी भी 370 में देता है ना, ऐसे कमती में दो दे। हम तो 300 से देता है, तो कमती होना है, ज़्यादा दाम नहीं होना है ना। मेरे को भी क्या लगता है। चलिए जाएगा, मीट ले लिया। अभी मेरा रिंग में हम दोनों, ये मेरा वीडियोग्राफर है, बहुत अच्छा वीडियो लेता है। तो अभी हम इसको अचार बनाने का रेडी करते हैं, मिलते हैं बाद में। अभी दुलाएगा मसला को ये करेगा ड्राई से। हो गया, अभी ये बंद कर देते हैं। अब इसको पानी से निकलेगा, ऐसे रखते हैं। ये
थोड़ा देर ठंडा होने देगा, मस्त हो गया, मिही मिही हो गया, देखो अभी मिर्चा को थोड़ा गरम गरम हल्का सा, ज़्यादा नहीं करेगा, ज़्यादा करेगा तो ये जल जाएगा और फिर पिता होके मज़ा नहीं होगा। अच्छा तो ये थोड़ा सा और 10 मिनट अभी हो गया, इसको छोटा छोटा करेगा, छोटा तो सबको इसे छोटा छोटा पीस करेगा। अभी ये हो गया, मी मी हो गया, तो अभी फ्राई करेगा, देखिए देखिए, और ये लहसुन अभी लगा लेगा। फ्राई करेगा सब, बाद में सबको डालेगा, तो चिकन और ये धारा ऐसे करेगा, ये विनेगर थोड़ा ऐसे मीट में से डालेगा, लहसुन को पहले डालेगा, मिर्चा का साइड इफेक्ट हो रहा है इंसान लोग को, मेरा आमने सामने का इंसान लोग को, मैं इसको फ्राई करते रहेगा थोड़ा, कुछ इस तरह देख रहे आप, अच्छा कुछ इस तरह भी देख रहे हैं, बाद में टेस्ट तो माशाल्लाह बढ़िया होगा, होना चाहिए। डाल रहे हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत है, अभी ऑलमोस्ट हो गया, अभी थोड़ा ये डालेगा सोयाबीन, सोयाबीन एक ढक्कन सॉस, ज़्यादा नहीं डालेगा थोड़ा सा, लहसुन डाल दे अभी सॉस, अभी फिर ये मसाला जो रेडी था उसको डाल देगा, क्या मसाला ये डाल दिया, अभी फिर मिर्चा डालेगा उसके हिसाब से, डालिए हम तो थोड़ा, हम लोग जाल खाता है, ये मिर्चा ज़्यादा डालेगा तो इसको आप अपन चटनी में बना सकता है उसका बाद खाना में भी बढ़िया होगा, अब जाओ ओ माय गॉड, ज़्यादा जाल वाला तो बिना दारू वाला आदमी लोग कहेगा। ये ड्राई बेम्बू शूट, ये थोड़ा डालेगा नम टेस्ट को और बनाने के लिए, हम लोग को लोकल में तो इसको बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा ड्राई यूप बोलता है इसको, गालों से आदि से हम लोग भाषा में यूप यूप, थोड़ा इसका जाल को काटने के लिए और टेस्ट को बढ़ाने के लिए डाल दिया, अभी मेरा ऑलमोस्ट हो गया, होने वाला हो ही गया, ओके हो गया अचार, अभी निकालेगा
तो देखिए फाइनली ये है मेरा फाइनल लुक, ये है कंप्लीट हो गया। खाने में भी बहुत टेस्टी है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। जो लोग जॉबलेस है, काम नहीं मिलता है बोल के डिप्रेशन में रहता है, वो लोग ये सब करके भी आराम से इधर उधर बेच के अपना गुजारा कर सकते हैं। देखो हम ऐसे कर रहे हैं, इसको हम लोग खाएगा और आप लोग खाना चाहेगा तो हमको कमेंट में बोल दीजिए, हम आप सबको बना के देगा। टेस्ट कैसा है? मेरे पास टेस्ट आप बोलिए। सबसे टेस्टी था तो ये रहा हम लोग का अचार कंप्लीट। लो देखिए तो ठीक है गाइस, थैंक यू आप लोग को मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपको दूसरा नया वीडियो के साथ।